हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। और आज सैटरडे है, सो इट्स अ वीकेंड ऑलरेडी, और हम लोग अपनी वीकेंड ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ पे जा रहा हूँ उसको बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे ऐसे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है तालिन। ये कैपिटल है एस्टोनिया की, जो हेलसिंकी की नेबरिंग कंट्री है। एंड आप यहाँ से हेलसिंकी से वाया क्रूज और वाया प्लेन जा सकते हैं। सो आगे जर्नी में आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं यहाँ से कैसे जा रहा हूँ, जिससे आगे कोई अगर तालिन एस्टोनिया जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकते हैं, स्पेशली हेलसिंकी से। सो स्टे ट्यून। अब मैं आ चुका हूँ हेलसिंकी के सिटी सेंटर में। अब यहाँ से मैं आगे ट्रैम में जाऊँगा अपने क्रूज तक और आपके साथ आगे आगे दिखाऊँगा। बट उससे पहले आप देखिए, बहुत अच्छा वेदर है आज। मैं आपको हेलसिंकी सिटी सेंटर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊँगा कि ये कैसा है सिटी सेंटर। सो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ जहाँ से मुझे अपने क्रूज पे बोर्ड करना है। इस कंपनी से जा रहा हूँ उसका नाम ये है, देख सकते हैं आप। पर जो बिग सरप्राइज है ये क्रूज जिससे हम जाने वाले हैं, ये देखिए आप। बस थोड़ी ही देर में आपको दिखाऊंगा क्रूज अंदर से कैसा होता है। सो जब भी आप यहाँ पर क्रूज पे आएंगे, सो एक यहाँ पे ऐसे वेंडिंग मशीन है जहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर डाल के अपना टिकट निकाल सकते हैं, ई टिकट। सो जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया। और क्यूआर कोड से आप स्कैन करके निकाल सकते हैं बुकिंग नंबर से या क्लब कार्ड से। सो मैंने बुकिंग नंबर मेरे पास है, जो मेरा नंबर है 6905660। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। सो जो यश अग्रवाल, अश्रिका अग्रवाल, प्राण जा रही है, हम तीन लोग जा रहे हैं। सो आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं और यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। सो ओके, तो ये बोल रहा है कि वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि हमारा पासपोर्ट है या वीज़ा, वो हमको शो करना होगा। और ऐसे करके नीचे कार्ड निकल कर ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं तीन कार्ड निकल कर आ गए हैं। सो ऐसा कुछ दिखता है ये कार्ड। आप लोग मेरे हाथ में टिकट देख सकते हैं। टिकट बुक करना काफ़ी इजी है, ये टिकट वैलिड रहेगा यहाँ से हेलसिंकी से तालिन, जो कि एस्टोनिया की कैपिटल है।
और टिकट मैंने बुक किया है इनकी वेबसाइट से, और ये मुझे पड़ा है 11 यूरोज़ का टिकट, जो कि अराउंड आपका रफली इंडियन रुपीज़ में 850 रुपीज़ के आसपास पड़ा है। सो क्वाइट चीप है, क्वाइट कन्वीनियंट है। सो आपको आगे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं शिप के अंदर का कैसा होता है। शिप फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब लोग हम आ चुके हैं क्रूज़ पर, और क्रूज़ के टॉप डेक पे हैं, और मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाऊंगा कितना सुंदर है। यहाँ से दूर समुंदर दिखता है, आप मेरे पीछे देखिए, पूरा समुंदर है सामने। अब हम जहाँ पर हैं वो शिप का 7 डेक है। इस डेक पर शिप का रेस्टोरेंट एरिया है, और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट का सिटिंग एरिया है। सो मोस्टली पैसेंजर्स यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। यहाँ आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारी तरह अपने घर का पैक्ड फूड भी ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली घर का बना हुआ खाना खाएं। इस टैग पर रेस्टोरेंट के साथ ही किड सेक्शन भी है, जहां पर बच्चे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, या आप भी अपने बच्चों के साथ फन एक्टिविटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। मोस्टली क्रूज़ या शिप पर फैशन शॉप्स होते हैं, जहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स की चीज़ें या फिर जनरल फैशन वेयर्स अवेलेबल होते हैं। ओ, फेस मास्क इज़ मैंडेटरी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यहाँ पर बहुत सारे लग्जरी ब्रांड के फैशन वेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉचेस हैं, जैकेट्स हैं, शूज़ हैं, ऑल अकॉर्डिंग टू सीज़न हैं, बट थोड़े कॉस्टली भी हैं। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ जैकेट्स, और आगे आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स आ देयर, सबके क्लोथ्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक नीड की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अम्ब्रेला, जिसका प्राइस है 37 यूरो 50 सेंट, रफली इंडियन रुपीज़ में कह सकते हैं 3200 रुपीज़ का, जो कि बहुत कॉस्टली है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। बेसिक रेंज अगर देखा जाए तो 15 यूरो 16 यूरो, रफली आप देख सकते हैं 1300 to 1500 की रेंज में सिर्फ रिंग्स अवेलेबल हैं, ये जो कि कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। ये आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ ज्वेलरी है, ये है सॉक्स, इनका प्राइस अगर हम आपको दिखाएं तो दिस इज़ फॉर 8 यूरोज़, ओ माय गॉड, विच इज़ रफली बिटवीन 700 रुपीज़, ये तो इंडिया में 100 रुपीज़ के विद इन मिल जाता है। अब हम आ गए हैं इस एरिया को हम बोलते हैं रूम डेक। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं रूम्स अवेलेबल है, सिमिलरली जैसे होटल्स में होते हैं ये, वैसे ही यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट रूम्स हैं, रूम नंबर्स मेंशन हैं। ये लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली लॉन्ग जर्नीज़ में, ओवर द नाइट क्रूज़ जब होते हैं तब वहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं, इसके कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। यहाँ लाइक राइट नाउ अभी हमारी क्रूज़ जो है मोस्टली 3 आवर्स की है, तो लोग मोस्टली प्रेफर नहीं करते
कि 3 आवर्स के लिए रूम बुक करें, अदरवाइज इफ़ यू वॉन्ट टू रेस्ट यू कैन बुक द रूम है। अब हम क्रूज़ के क्लब सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांस, और मोस्टली यहाँ पे लोग बैठकर ड्रिंक्स भी करते हैं। क्रूज शिप जो है अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। सो आप देख रहे हैं जैसे इसमें ट्रक्स एंड कार निकल रहे हैं। अगर आप एस्टोनिया आना चाहते हैं फ्रॉम फिनलैंड, सो आप अपनी कार को भी लेके आ सकते हैं और वो आप अपनी कार को टिकट में ऐड कर सकते हैं जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। अब मैं आ चुका हूँ तालिन में, जस्ट अभी अभी अपने क्रूज से उतरा हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा सिटी में जो यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो पॉइंट, बट उससे पहले मुझे होटल में चेक इन करना है। अगर अब तक की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको तालिन सिटी में घुमाता हूँ और दिखाता हूँ तालिन सिटी कैसी है। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।